तो इंटरनल रेजिस्टेंस के असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे, होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 1.8 वोल्ट व्हेन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। क्या ये ईएमएफ है कि नहीं, ई है कि वी है? इस बैटरी में से करंट बाहर निकल रहा है? अगर करंट बाहर निकल रहा है तो क्या ये ई हो सकता है? नहीं हो सकता, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा? वी। आइए पता है। अब वो क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.6 वोल्ट। कब? जब इतना करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने केसेस हैं? दो, केस वन एंड केस टू। आपको क्या निकालना है? ईएमएफ निकालनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, राइट? ठीक है यहां तक? तो एक काम करते हैं, इसमें ना दो केस बनाते हैं। जैसे इसमें केस नंबर वन में जैसे मान लो कोई भी एक बैटरी है, इसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल आर है, एक्सटर्नल कैपिटल आर है। ये डायग्राम बनता है हमेशा, सेम डायग्राम है। और हमने क्या किया, वी का फॉर्मूला क्या किया, ई माइनस आई इन टू आर, ये किया। तो केस नंबर वन में आपसे ये बताया जा रहा है कि वी की वैल्यू कितनी है, चेक करना, कितने वोल्ट है? 1.8। ई पता नहीं, करंट कितना है? 0.5 इंटू आर पता नहीं, क्वेश्चन नंबर वन। केस नंबर टू में वी कितना है? 1.6। ई पता नहीं, आई वन इंटू आर, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करना है? सॉल्व, ई और आर निकाल लेना आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसे केस बनने हैं इसमें? दो केस बना लें, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ठीक है यहां तक? याद रखना, जब करंट विड्रॉ हो गया तो आंसर कभी भी ई नहीं आएगा, वी ही आएगा, कम आएगा, ठीक? तो जैसे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट इज 6। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? जब करंट क्या होता है इसमें से? जीरो, कोई कनेक्ट ही नहीं किया। तो फिर बोलो ये क्या है, ई की वी? ई, ओपन सर्किट में करंट नहीं गया तो ये ई। फॉल्स टू 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का मतलब ये क्या गिवन है? वी। जब करंट 2 एम्पियर है, क्या निकालना है? ईएमएफ। अरे दे तो दिया, ईएमएफ कितनी है? 6। और इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इन टू आर। वी गिवन है 4, ई गिवन है 6, आई गिवन है 2 और स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द सर्किट एज शोन रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर ए इज नेग्लिजिबल। देखो एक चीज समझना, पूरे इस इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना मशीन्स लगा रखी होंगी, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये आपके काम की नहीं है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मेजरमेंट के लिए। जैसे आप प्रैक्टिकल जब करते हो तो आप देखना चाहते हो इसमें कितना करंट है, करंट वायर में दिखता तो है नहीं, तो एक मशीन लगेगी एम मीटर जो क्या मेजर कर देगा? करंट। तो इसकी वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस कितनी है? नेग्लिजिबल है, नहीं लेनी, जीरो है। एक आइडल एम मीटर की रेजिस्टेंस जीरो होती है। एम मीटर क्या मेजर करता है? करंट। और हम क्या चाहते हैं? करंट किस में जाए? एम मीटर में जाए, तभी वो करंट मेजर करेगा। तो अगर इसकी खुद की रेजिस्टेंस हो गई तो आप तीसरी रेजिस्टेंस भी लोगे, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी, एम मीटर की भी, फिर तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कह रहे हैं एम मीटर की रेजिस्टेंस मत लेना, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये करंट मेजर कर सकता है। और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लेना, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर जो करंट आप यूज कर रहे हो, जो आपको बैटरी देगी, आप नहीं चाहते कि ये करंट यहां पे आके डिवाइड हो गए, क्योंकि अगर वो डिवाइड हो गया वोल्ट मीटर आपका करंट ले जाएगा, फिर कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएंगी। तो आप चाहते हो आपका करंट इस सर्किट के अंदर ही घूमे, वोल्ट मीटर यूज ना करे, तो इसके रेजिस्टेंस को इतनी हाई कर दो कि इसके अंदर करंट जाए ना, सारा ज्यादातर करंट कहां जाए?
सीधा चला जाए, क्योंकि वो कम रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करेगा, राइट। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखी जाती है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रखा जाता है ताकि वी की वैल्यू क्या आ जाए, सेम, और एम मीटर हमेशा सीरीज में रखा जाता है ताकि करंट उसमें से पास हो और उसकी रेजिस्टेंस नहीं ली जाती, राइट। तो क्वेश्चन है कि इसके अंदर व्हेन स्विच इज ओपन, चलो जी ये ओपन है, ओपन के केस में ये करंट इसमें क्या देगा, जीरो। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज, मुझे बताओ ये वोल्ट मीटर 1.53 क्या गिवन है, वी की ई, कितने लोग बोलते हैं ई, ओपन सर्किट है भाई, कनेक्ट ही नहीं हुआ, जब कनेक्ट ही नहीं हुआ तो करंट बाहर निकला ही नहीं, जब करंट बाहर निकला ही नहीं इसमें तो जाएगा ही नहीं, इसमें से बाहर निकला ही नहीं, तो ये क्या गिवन है इसकी, ईएमएफ। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये रहा। ऑन क्लोजिंग दिस स्विच, स्विच को क्लोज कर दिया, एम मीटर ने करंट कितना शो किया, 1 एम्पियर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग इतनी आ गई। अब वोल्ट मीटर का मतलब, अब रीडिंग कम क्यों हो गई, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट निकलना स्टार्ट हो गया। क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, आंसर वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में काम करते हैं, अगर आप इससे वी पूछो तो आई इंटू आर, और अगर आप बैटरी से वी पूछो तो ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब आपको वी तो पता ही है 1.03, करंट आपको पता है 1, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया। और अगर आपको स्मॉल आर निकालना है तो वी पता है, ई पता है, आई पता है, तो यहां से स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे करना है क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो आपने ये होमवर्क बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जिसको शीट निमली जाते हुए लेगा ये आपने ट्राई करने हैं, राइट, क्लियर है यहां तक। और जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुकलेट है, इसमें जो हम अभी कर रहे थे, ठीक है, तो इसके अंदर ये सीरीज पैरेलल नेक्स्ट टाइम करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कर लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कर लिया, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर क्या माइनर डिफरेंस है, जो ईएमएफ है वो क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स का जब ओपन सर्किट है, ओपन मींस करंट नहीं जाएगा जब, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब क्लोज सर्किट है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब अगर मैं एक बैटरी हूं और मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, मेरी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम है, वो इस कैपिटल आर की प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल आर जो मर्जी लगाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो है, जो आपका जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है उसका कैपिटल आर से कोई लेना देना, फैक्ट्री में जब बैटरी बनेगी तो कौन सी वायर जुड़ेगी उससे क्या लेना देना, उसकी ईएमएफ अगर 10 है तो 10 ही है, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर वायर के क्रॉस निकालती हो, वी इज इक्वल टू आई इनटू कैपिटल आर, तो कैपिटल आर मैटर करता है। ईएमएफ हमेशा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे, बैटरी के लिए यूज करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के क्रॉस मेजरेबल है, कोई भी दो पॉइंट ले लो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ये हमने कर लिया, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसके अंदर ये ना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला रजिस्टर में आप नोट भी करेंगे, इसको जो आपकी बुकलेट है उसमें प्लीज साइड पे एक यहाँ इस प्रूफ कीजिएगा ना, ये नोट कर लें जो मैं अभी करवा रहा हूं। इसमें एक काम करें, वी की वैल्यू लिखें आई इंटू कैपिटल आर होती है, वी की वैल्यू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर होती है, इन्हें इक्वेट कर दें, तो इक्वेट करके आपके पास आई इंटू स्मॉल आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, E माइनस आई इंटू कैपिटल आर, ऐसे, ठीक है, थोड़ा रीअरेंज कर लिया। तो यहां से I इंटू स्मॉल आर विल बी इक्वल टू E माइनस V कर लें, क्योंकि V क्या होता है, I इंटू कैपिटल आर, जो V होगा उसकी वैल्यू क्या होती है V की, I इंटू कैपिटल आर, ये भी तो करवाई थी, तो इसकी जगह V लिख लें, या स्मॉल आर इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, या E माइनस V अपॉन, यहां से I को लिख लेते हैं V डिवाइडेड बाय R, तो V डिवाइडेड बाय R दैट इज E माइनस V बाय V इंटू R, या फिर E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ऐसे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें,
ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल, ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, और ये डेरिवेशन अगर आ जाए तो ये डेरिवेशन हो गई, इसकी कुछ करना नहीं है इसमें। लेकिन वैसे न्यूमेरिकल में ज़्यादातर मैं ये यूज़ नहीं करता, न्यूमेरिकल में बस ये दो ही क्वेश्चन ही सफिशियंट है, आंसर आ जाता है इससे, तो ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इससे आंसर आ जाएगा। पर फिर भी कई बुक्स ये यूज़ करती हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट।